हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं ट्रंप। वाह, यूएस इलेक्शन 2024 फिर से? किस, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस साल की, अगले साल, कब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पता करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2025 में भारत का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्वाड शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप शामिल। ओके, क्वाड के लिए भारत आए और अब क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। क्वाड एक्सचेंज के बाद डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरे का कार्यक्रम बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे क्वाड सम्मेलन में बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति। और ये एक बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि अगले साल 2025 में क्वाड का सम्मेलन भारत में होना है और इसमें ट्रंप यहाँ भारत आएंगे। और सबसे पहली खबर यही आई है इंडियंस हूँ। और देखिए ये तो आपको पता ही है कि ट्रंप ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके पर प्रोग्राम भी किए और वो बड़े उनके गुनगाते रहते हैं, ट्रंप मोदी साहब के बड़े गुनगाते हैं। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रंप के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। इस वक्त मुझे वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रंप के सपोर्टर हैं। ट्रंप को बधाई दी है जीत के बाद, ट्रंप को पीएम मोदी की बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्वीरें भी शेयर की है। कह रहे सबसे पहले कॉल भी मोदी जी ने किया कांग्रेचुलेशन का। अमेरिका के पद पर जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और अपने साथ की तस्वीरें भी शेयर की है। आपको बता दें कि 2020 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वहां पर जबरदस्त उनका स्वागत किया गया था और इस दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी देखने लायक थी। और मजा आएगा देखने में। जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। और मजबूत बनाने के लिए हमारे सहयोग को फिर से सशक्त करने को लेकर उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री डिफेंस रिलेशंस कैसे होंगे और जो ओवरऑल एक सिचुएशन है पाकिस्तान रिलेशंस की, उस पर पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं? कोई तवक्कुआत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस चीज का एहसास है और उतना शायद ना हो जितना होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी खबर भारत के लिए अमेरिका की तरफ से आ रही है और यह खबर यह है कि ट्रंप चुनाव जीतते ही अगले साल भारत का सबसे पहले दौरा करने वाले। कौन से महीने में आ रहे हैं? आप सभी ने सही सुना, ट्रंप अगले साल भारत की यात्रा पर आएंगे और उनकी यह जो यात्रा है वो क्वाड शिखर सम्मेलन के तहत भारत के अंदर होगी जहाँ पर वो पीएम मोदी से भी मिलने वाले हैं, साथ में क्वाड की मीटिंग को भी अटेंड करेंगे। और यह खबर आते ही पाकिस्तान कि 2025 में भारत का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्वाड शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप शामिल। 2025 तो ठीक है, कौन सा महीना? और अब क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। क्वाड एक समूह जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर पर चीन की संप्रभुता और चीन की ध्यान से खबर ट्रंप देगा बिल्कुल। आज डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर वो चुने गए और कुछ ही दिन में वो व्हाइट हाउस में बैठेंगे भी, विराजमान भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि 5 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा करेंगे और ये भारत की यात्रा क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए होगा। इंडियंस हूँ। और देखिए ये तो आपको पता ही है कि ट्रंप ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके पर प्रोग्राम भी किए और वो बड़े उनके गुनगाते रहते हैं ट्रंप। अरे तुम बता पाकिस्तान को क्या बोला, हमें तो वो भी पता कर रहा हो। तो वो नहीं है उनके पास कुछ रिलेशंस है ना ट्रंप के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। ये भारत भारत ही करते हैं, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। पाकिस्तानी होने के बाद सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रंप के सपोर्टर हैं। लेकिन बड़ी सेलिब्रेशन इस वक्त 3 कंट्रीज में हो रही है जिनका मुझे पता है। एक पाकिस्तान, पाकिस्तान के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा इंडिया जहाँ पर ट्रंप के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तीसरा पाकिस्तान जहाँ पर खान के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि
खाने के लिए कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में इसलिए इस विक्ट्री के नारे बज रहे हैं कि खान के सपोर्टर और खान की पार्टी ये कहती आई है कि ट्रंप को आना चाहिए इक्तदार में, क्योंकि ट्रंप इक्तदार में आते ही इमरान खान को जेल से निकालेंगे और उनको हुकूमत दिलवाएंगे। अब इस वक्त जो हुकूमत है उसके क्या हालात है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रंप ऐसा करेंगे नहीं करेंगे वो तो हमें टाइम बताएगा। पहले तो उनके इतने बड़े बड़े मसाइल हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में जिन इश्यूज का जिक्र किया है वो भी मैं आपके सामने रखती चलूँ, और साथ साथ में कुछ जो वो हैं कमेंट्स वो भी आपके सामने, बजाय इसके कि मैं उन पे बात करूँ मैं साथ साथ चलाते जाती हूँ और पढ़ते जाती हूँ आप सबके कमेंट्स। ठीक है, साथ डिफेंस रिलेशंस कैसे होंगे और जो ओवरऑल एक सिचुएशन है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की, उस पे पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस चीज़ का एहसास है और उतना शायद ना हो जितना होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान अमरीका को एक या पाकिस्तानी अमरीका को एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, लेकिन इस किस्म की गहराई पाकिस्तान और अमरीका के फौजी तल्लुकात के अंदर है वो शायद आम हर कस आम को शायद ना आप समझो उन चीज़ों की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक माशी और एक्सपोर्ट्स से हट के दफाई ताल्लुकात के अंदर भी काफ़ी गहरा है और इसकी ज़रूरत रहती है, ये कायम रहेगा बिकॉज इसके बगैर दोनों अतराफ से जो ताल्लुक है जो कि दहाइयों के ऊपर कायम हुआ हुआ है उसको कायम रखा। क्या क्या बोल दिया, दहाइयां दहाइयां। इन दोनों में से कौन बेहतर होगा, मेरा ख्याल है कि फॉरन पॉलिसी या इस किस्म से जो रिलेटेड इशूज़ होते हैं अमेरिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, मेरी नज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के बाद 19-20 का फर्क से ज़्यादा भी कर लें तो 18-20 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी ये वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गाड़ी 70-80 होएगा। देखो तुम जो चीजें हैं वो सबको दुनिया में पता है कि साउथ चाइना हमने ट्रंप को जिता के कुछ बता के जिताया है ताकि अब वो इसलिए भेजा है मामलात है। और तो पाकिस्तान एज सच इस वक्त तो कोई उभर के सामने नहीं आया हुआ, उनकी उनकी नज़र हटी हुई है पाकिस्तान से, लेकिन क्या कोई हमारे गुरबो जवार के अंदर कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए? उस सूरत में सेंट्रल कमांड जो उनकी है जो कि इस एरिया को पूरे को दिखती है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी अफवाज के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं वाइब्रेंट रहता है। मैं कहूँगी बेटा जी शुगर करो, अभी हमारे अमेरिका के तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं पड़ी है, अगर पड़ गई ना तो छोड़ेंगे नहीं। इनको ये लग रहा है, अच्छा इसमें इनको ये लग रहा है कि अगर अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ायदा होगा। जैसे अफगानिस्तान के नाम से इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया रे, उनको ये है कि है किसी तरह से हमारा कुछ इनको ज़रूरत पड़ जाए ताकि हम पैसा इनसे ऐंठ सकें जैसे पिछले सालों से ऐंठ रहे थे। पर इनको यह है कि भैया अभी अब पाकिस्तान जो ये सोचते थे कि पहले अमेरिका और पाकिस्तान के साथ जो जो रिलेशनशिप्स थे वो ज़मानों में वो अब नहीं है, उनको कहो भूल जाओ अब वो ज़माने गए, अब तुम्हारे अब उल्टा होने वाला है, अब तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है क्योंकि तुमने इतना गलत किया हुआ है कि अमेरिका को भी अब पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के हो, किस टाइप की तुमने काम किए हुए हैं। तो अमेरिका भी अब ये नहीं है कि तुम अमेरिका को किसी भी तरह से बहाने से पैसे ऐंठते जाओगे, हाँ अभी भी ऐंठ रहे हो पर अब वो सिचुएशन जो है होपफुली होने नहीं वाली, पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान पे कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं उसका क्या होता है। एग्जैक्टली और यहाँ पे ऐसे लग रहा है ये जो इमरान खान के लोग हैं सपोर्टर्स उनको लग रहा है कि ट्रंप आ गया तो इमरान खान को जो निकलवा लेगा, और इमरान वो ट्रंप कह रहा है मेरे को क्या लेना देना, गुस्सा है तो गुस्सा रहे जेल के अंदर, मेरे को क्या लेना, तुम्हारी कंट्री में जो हो रहा है होता रहे, मैं अपने देश का देखूंगा कि तुम्हारे जैसे देशों का। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान का लॉस ही होगा और लॉस होना चाहिए, जहां तक मेरा है एक्सपेक्टेशन कि लॉस ही होगा उनके ऊपर, बल्कि और सैंक्शंस IMF जो लोन दे रहा है वो सब बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज तो ये आ रही है कि यहाँ से ये लोन लेते हैं वहां से ये वो वेपन्स बनाते हैं वो कौन सा ले रहे हैं, रशिया से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो दे दे, तो वो ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।